शहर पुलिस की अपराध शाखा ने शातिर दुपहिया वाहन चोर को धर दबोचा है। आरोपी का नाम सुसुंधरा तहसील कारंजा घाड़गे जिला वर्धा निवासी गजानन नारायण सलामे बताया गया है। गजानन ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में वाहनों की चोरी की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 गाड़ियां बरामद की जिनकी कुल कीमत 1,60,000 रुपये आकी गई है। 21 फेब्रुवारी सायंकाळच्या वेळेस आम्ही लकडगा हद्दीत गंगा जमुनाच्या परिसराच्या सराउंडिंगला आम्ही पेट्रोलिंग करीत होतो, त्यावेळी तिथं आम्हाला एक संशयितचा आढळून आला आणि आम्ही त्याच्याबद्दल गुप्त माहिती काढली असता तो वाहन, त्याच्याकडे जे दुचाकी वाहन होतं ते विक्रीसाठी तो एक ग्राहक शोधत होता, त्याच्यावरून आम्ही त्या इसमास ताब्यात घेतलं। त्या इसमाने आपले नाव गजानन उर्फ लादेन नारायण सलामे वय 23 वर्ष राहणार सुसुंधरा आष्टी जिल्हा वर्धा येथील असल्याचे सांगितले। त्याच्याबद्दल आम्ही डिटेल माहिती काढली असता तो अट्टल वाहन चोर आहे, त्याच्यावर बरेचसे गुन्हे पोलीस स्टेशन कारंजा घाडगे जिल्हा वर्धा तसेच कोंढाळी इथे दाखल आहेत। तसंच तो पोलीस स्टेशन कारंजा घाडगे इथून 2014 पोलीस कस्टडीमधून सुद्धा तो पळालेला होता। त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली, आम्ही विचारपूस केली तर त्याने पोलीस स्टेशन सदर आरपी नगर लकडगंज आणि शांतीनगर या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून त्याने दुचाकी वाहनं चोरलेल्या होत्या, त्याच्याकडून आम्ही 4 दुचाकी वाहनं जप्त केलेले आहेत आणि सध्या त्याला पोलीस स्टेशन लकडगंजच्या ताब्यामध्ये तो असून पुढील तपास सुरू आहे। इसी बीच क्राइम ब्रांच युनिट 3 को जानकारी मिली कि एक युवक उक्त नंबर की बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने उक्त युवक की तलाश शुरू कर दी। गुप्त सूत्रों की मदद से मुकेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कड़ी पूछताछ पर उसने और भी चोरियों का खुलासा किया। उसने बताया कि सदर शांति नगर और प्रताप नगर थाना अंतर्गत भी दोपहिया वाहन की चोरियां की है। ग्राहक नहीं मिलने पर उसने ये गाड़ियां अपने रिश्तेदार के घर पीछे खड़ी कर रखी है। इसके बाद पुलिस ने मुकेश की निशानदेही पर 4 वाहन बरामद किए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।